अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। नाज़रीन किराम, आज का ये ज़बरदस्त मुनफरिद और बेहतरीन अमल ख़ासकर उन बहन भाइयों के लिए है जो ज़ुबान बंदी के लिए सरगर्दान रहते हैं, जो अपने दुश्मन की ज़ुबान बंदी के लिए सरगर्दान रहते हैं, जो अपने मुखालिफिन की ज़ुबान बंदी के लिए सरगर्दान रहते हैं, जो लाखों हज़ारों रुपए खर्च करने के बावजूद भी उसके दुश्मन मुखालिफ या बदफा की ज़ुबान बंद न हुई हो, तो ये अमल ऐसे दोस्तों के लिए तीर बहादुर और बेहतरीन अमल है। दोस्तों, ज़ुबान बंदी का अमल और ज़ुबान बंदी का अमलियात कोई मामूली अमलियात नहीं होता। हर आमिल ज़ुबान बंदी के अमलियात में इसलिए नाकाम होते हैं कि ज़ुबान बंदी का अमलियात अलग से एक तलसम की ज़रूरत होती है इसमें, जो कि साथ और टाइम में निकाला जाता है। उसके बाद वो अमल फौरन जल्दी और इतना बेहतरीन काम करता है कि फिर ता कयामत जब तक आप ज़िंदा हो वो ज़ुबान बंदी का काम मज़बूत और बेहतर ही रहता है। नाज़रीन किराम, बाज़ औक़ात शोहर अपने बीवी से तंग आ जाता है ज़ुबान बंदी की वजह से, बाज़ औक़ात बीवी शोहर से तंग आ जाती है ज़ुबान बंदी और गालियों की वजह से। बाज़ औक़ात शोहर बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है, बच्चों को गालियाँ देता है, बीवी को गालियाँ देता है। बाज़ औक़ात घर में बच्चे वालदेन को गालियाँ देते हैं, नाज़ेबा कलाम बोलते हैं। इसी तरह रिश्तेदारों में से ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो बदाफा होते हैं, जो पीठ पीछे बातें करते रहते हैं। ये अमल ख़ासकर उन बहन भाइयों के लिए है जो ज़ुबान बंदी का अमल करना चाहता है। इस अमल को ख़ासकर आप अपने ऑफिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपने दफ्तर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ लोग आपको तंग करते हो, आपके खिलाफ बातें करते हों, आपके खिलाफ साजिशें बनाते रहते हों, ऐसे जगह में इस अमल का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तरीक़ेकार ये है कि इस नक्श को आप लोगों ने बुध के रोज़ लिखना है। बुध के रोज़ बाद नमाज़ फजर आप लोगों ने इस अमल को लिखना है। सबसे पहले आप लोगों ने 3 अदद तावीज़ आप लोगों ने लिखने हैं नीले स्याही और अर्के गुलाब से। उसके बाद तीनों तावीज़ को अलग अलग एक प्लास्टिक 4 नीले कपड़े का कवर देके एक नक्श अपने गले में डाल देनी है या बाजू पे पहन लेनी है। दूसरा नक्श आपने हवा में लटका देनी है और तीसरे नक्श को आपने वज़न के नीचे रखना है। याद रखिएगा कि इस अमल में, इस तावीज़ में जहाँ पे ता कयामत लिखा है, उसके नीचे आपने अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और अपने वालिद का नाम ज़रूर लिखना है। जो ही आप इस अमल को करोगे उसके 3 से 4 घंटे के बाद फौरन ये काम शुरू कर देता है और आपका रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। ज़ुबान बंदी के लिए हर किस्म के शरीर, सख्त और बदज़ुबान शख्स की ज़ुबान पे हमेशा हमेशा के लिए ताला लगाने का ये अमल बहुत ही ज़बरदस्त और मुजरब अमल है। इस अमल का इजाज़त आम है, जिस बहन भाई ने करना हो वो लिख सकता है किसी किस्म की परेशानी के बग़ैर, ना इसमें रुज्जत है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल अमलिया के जितने भी तावीज़ात और तलस्मात है ये सारे मुजरब शुदा है, इसमें किसी किस्म का नुकसान व रुज्जत नहीं होता। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त और मुजरब अमल है, इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अपने लिए भी लिख सकते हो, अपने रिश्तेदारों के लिए भी लिख सकते हो, अपने दोस्तों के लिए भी लिख सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लिए भी दुआ करते रहेगा, हमारे लिए भी दुआ करते रहेगा। शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ख़ासकर अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक के अकाउंट्स में। शेयर करने से ये होगा कि अगर दूसरे मुसीबत ज़दा बहन भाई को ये तलस्मात और ये अमलियात पहुँचे और वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सके, तो इस कार्य खैर में हमारा और आपका बराबर का हिस्सा होगा। क्योंकि ग्लोबल अमलियात चैनल में किसी किस्म ऐसा मवाद नहीं रखा गया जो कि काला जादू पर मुश्तमिल हो, जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़ हो और उसमें शर, बुराई व फसाद डालने का अमल हो। अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल अमलिया चैनल ख़ुद एक बेहतरीन आमिल है, ग्लोबल अमलिया चैनल ख़ुद एक किताब है।
ग्लोबल अमलिया चैनल सिर्फ इंसानियत की खिदमत और बेहतरी के लिए बनाया गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लिए भी दुआ करते रहेगा, हमारे लिए भी दुआ करते रहेगा, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात आसान फरमा दे, ख़ासकर उन बहन भाइयों का जो अस्पतालों में पड़े हैं, जो घरों में पड़े हैं, जो मदद के मुंतज़िर हैं। दोस्तों, ऐसे बहन भाइयों का, ऐसे दोस्तों का, ऐसे रिश्तेदारों का ज़रूर मदद कीजिएगा। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला बेहतर काम बनाने वाला है। अल्लाह हाफिज़।